हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सुरजीत और आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरा और आपका प्यारा चैनल एसबी ब्लॉग। आप सभी को मैं सुरजीत एक बार बहुत बड़ा सा धन्यवाद करना चाहेंगे मेरे पिछले वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो फिलहाल अभी लॉकडाउन का समय है तो सोचा घर बैठे बैठे क्या करेंगे। तो आज का टॉपिक है कुछ ऐसा है, एयर कंडीशन सिस्टम कैसे काम करता है, नॉर्मली जो हमारे घर में जो एसी लगा हुआ होता है तो वो काम कैसे करता है, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। फिर से वही पुराना वाला डायलॉग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि हम लोग का घर में जो एसी लगा हुआ होता है, नॉर्मली जो स्प्लिट हाई वॉल एसी बोलते हैं उसको, जो दो पार्ट होते हैं उसके, एक इंडोर के साइड में होता है, एक आउटडोर में, मतलब एक घर में होता है एक बाहर साइड में होता है। तो वो एसी कैसे रूम को ठंडा करता है, सभी बोलते हैं कि यार एसी लगा लिया घर का गर्म हवा बाहर फेंक देता है, ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो वो काम कैसे करता है, मैं एक ड्राइंग बनाया हूँ ऐसे ही थोड़ा, तो देखिए थोड़ा मैं उसमें उसके थ्रू समझाने की थोड़ा कोशिश करूंगा। एयर कंडीशन सिस्टम का मेन चार पार्ट होता है, वो चार पार्ट के बिना एसी काम ही नहीं कर सकता। एक होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर कॉइल, ये दोनों पार्ट आउटडोर में रहता है, बाहर के साइड में रहता है। फिर अंदर में होता है एक्सपेंशन वाल्व और इवोपोरेटर कॉइल, ये चार पार्ट के बिना एसी काम ही नहीं कर सकता। चलिए तो अब शुरू करते हैं कैसे काम करता है। कंप्रेसर जो है मेन काम, मेन रोल इसका है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है डिस्चार्ज करते हैं डिस्चार्ज लाइन से। यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, ये जाता है कॉन्डेंसर में, कंडेंसर कॉइल में जाने का। इसका मतलब है एम्बिएंट टेम्परेचर और फ्रेश एयर की मदद से एक फैन के सहारे इस हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है एक फैन के सहारे। फिर ये रेफ्रिजरेंट कॉइल से निकल के जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, ये हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, और लो प्रेशर में आने के साथ साथ इतना ठंडा हो जाता है, ये ठंडा रेफ्रिजरेंट फिर जाता है इवोपोरेटर कॉइल में। यहाँ से वो रेफ्रिजरेंट भाप निकलता है, इतना भाप निकलता है, वहां पे एक ब्लोअर फैन के सहारे उस भाप को रूम में स्प्रेड किया जाता है। इसी तरह रूम का जो गर्म हवा है वो इवोपोरेटर में जाता है, फिर ठंडा होकर बाहर निकलता है। ऐसे सर्कुलेशन होते होते रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसी तरह रूम ठंडा हो जाता है। फिर वो लो टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है वो सक्शन लाइन से फिर आ जाता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर से फिर वो डिस्चार्ज होकर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कॉन्डेंसर में एक फैन के सहारे उसको एम्बिएंट टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो गैस जाता है, रेफ्रिजरेंट जाता है एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन में जाने के बाद उसको लो टेम्परेचर में करने के बाद वो लो टेम्परेचर गैस जाता है इवोपोरेटर कॉइल में, इवोपोरेटर कॉइल से वही मतलब गैस ऐसे सर्कुलेशन होता रहता है जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो इसी तरह एक एयर कंडीशन सिस्टम काम करता है। पता नहीं आप लोगों को समझा पाया कि नहीं, एक्चुअली मैं कोई ना ही इंजीनियर हूँ ना ही कोई मैं मास्टर हूँ कि ये सब पूरा डिटेल्स में आपको बता सकूँ, पर मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, मैं एसी लाइन में काम करता हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कोशिश किया है कि आप लोगों को ये थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। अगर आप लोग नहीं समझे है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, मैं बोलने की पूरा कोशिश करूंगा कैसे ये मतलब काम करता है, जितना भी मेरे नॉलेज में है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, अच्छा लगता है ये सब करने के लिए, पता नहीं आगे जा पाऊंगा कि नहीं, आप लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, शायद करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग मुझे प्यार जरूर करेंगे। तो उसी उम्मीद के साथ चल रहा हूँ आगे। बाकी चैनल पे और भी सारे कुछ देखने को मिलेगा, जैसे मोटो ब्लॉगिंग, मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो शायद नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही कुछ आ सकता है अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो। फिर से एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ अगर पूछना है तो कमेंट कर दीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में।